एक तरफ है सिर तन से जुदा वाली कट्टर सोच, तो दूसरी तरफ हाथ काटने की धमकी। नाम हाकिदंता भावचित्र ई बैनर एनादरू मुट्टिद्रे ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋಯ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಕಾ ಅಪಮಾನ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯೋ ನೀಸೆ ಬೇದಾರ್ ಹೋ ಜಾವ್, ಸಡಕೋ ಪೆ ಉತರೋ, ಹಮಾರೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಿ ಶಾನ್ ಮೇ ಗುಸ್ತಾಖಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಆಪ್ ಇಸ್ ವಕ್ತ ಖಾಮೋಶ್ ನಹೀ ಬೈಠನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ತೋ ಕೋಯ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಕೋ ಭೀ ಮಜ್ಹಬ್ ಮೇ ಬಾಟ್ ರಹಾ ಹೈ. लोग आज टीपू और सावरकर की बहस कर रहे हैं, कहां जमीन और कहां आसमान, कोई मुकाबला नहीं हो सकता टीपू से. धर्म के नाम पर ये हंगामा कब तक होगा? ओवैसी त्यातला एक जण आमच्या देवतांबद्दल, देवी देवतांबद्दल बोलतो, काहीसा काहीसा मनहूस नाम रखते हे. आमच्या देवी देवतांचे नाव काय? मनहूस. त्याला कोणी माफी मागायला नाही सांगणार या देशात. नफरती बयानों की ये सियासत कब तक चलेगी? अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं. राजनीति करना, खिलाफ बोलकर उनका पार्टी चलाना, यही काम है उनका. भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा से समाज के अंदर नफरत फैलाने की बात क्यों करते हैं? समाज को जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? क्यों भड़काई जा रही है नफरत की आग? हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है, अपने खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम खाते बर्दाश्त नहीं करेंगे. नुपुर शर्मा के विवाद को हवा देने का मकसद क्या है? जाके नाही खाता मुसलमान आहे. इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांनी तेच सांगितलंय जे नुपुर शर्मा बोलले होते. त्याला कोणी सांगितलं नाही माफी मागा. अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को कितना बांटेंगे? कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है, भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है, यहाँ पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है. जय श्री राम, जय श्री राम. कब तक लोगों के दिमाग में कट्टरता का जहर घोलेंगे? नफरती बयानों से सांप्रदायिकता की आग में घी डालने वालों की घंटी बजाओ. नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में. मैं अखिलेश आनंद हूं. तो रात के 10 बज गए और अब शुरू हो रहा है जनता की आवाज को मंच देने वाला शो घंटी बजाओ. और आज घंटी बजाओ की शुरुआत संत कबीर दास के एक दोहे के साथ. कबीर ने कहा था, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी. मतलब बोली यानी वाणी एक अनमोल रत्न है, हृदय के तराजू में तौलकर ही उसे मुंह से बाहर करना चाहिए. दरअसल बोली से बड़े मसले सुलझ भी सकते हैं और उलझ भी सकते हैं. तो सवाल है कि हमारे देश में इन दिनों जो नफरती बोल बोले जा रहे हैं, क्या वो जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए बोले जा रहे हैं? अब आप देखिए, हैदराबाद में आज दिन भर हंगामा होता रहा. कभी प्रदर्शन हुआ, कभी लाठियां चली, कहीं तनाव है, कहीं बवाल है, और वजह है एक विधायक के जहरीले बोल. बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जहरीले बयानों के कितने सौदागर हैं. आखिर नफरत की सियासत कब तक चलेगी? सवाल यह भी है, सांप्रदायिकता की आग में कब तक घी डाला जाता रहेगा? अगर आपको लगता है कि यह सब बंद होना चाहिए तो फोन उठाइए और
1800 पर मिस्ड कॉल जरूर दीजिए और हमारी रिपोर्ट देखिए। ये है आज का हैदराबाद, जहां लाठियां चलानी पड़ी, जहां सड़कों पर हंगामा नजर आ रहा है, तनाव का माहौल नजर आ रहा है, वजह है 10 मिनट का एक वीडियो और वीडियो के बाद जहरीले नारे। हैदराबाद में पुलिस थाने के सामने पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में लगे ये जहरीले नारे। दूसरी तरफ से विवादित बातें कहने वाले के समर्थन में श्री राम का जय घोष। एक तरफ टी राजा के खिलाफ हंगामा, दूसरी तरफ से टी राजा के समर्थन में नारे। ये दो तस्वीरें हैदराबाद ही नहीं देश की कहानी कह रही है, जहां सांप्रदायिकता की आग में घी डालने का काम कर रही है कट्टरवादी सोच। ये तस्वीरें हैं बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा को नामपल्ली कोर्ट में पेश किए जाने की, जहां उनके समर्थक जुटे जमकर नारेबाजी की। लेकिन सवाल है, आखिर बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों आ पड़ी? आखिर क्यों बीजेपी को अपने ही विधायक को निलंबित करना पड़ा? इसकी वजह है टी राजा का विवादित वीडियो। 10 मिनट के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। हमारे भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता मैया के ऊपर इसने इतनी बड़ी गाली दे दी, इतनी बड़ी बात कर दी, तो मैं सोचा कि ये जिसको पूजता है, जो आका है, और ये गोल टोपी वालों के जो आका है, क्यों ना मैं इनके बारे में सर्च करूं। इस बयान के आगे का हिस्सा हम नहीं सुना सकते। आरोप है कि आगे के बयान में पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई थी। उसी टिप्पणी के बाद हैदराबाद का मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया, जिसकी अगुवाई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पार्षद जफर खान कर रहे थे। इसी मार्च में विवादित नारे लगाए गए। यानी एक तरफ एक जनप्रतिनिधि विवादित टिप्पणी करता है, तो दूसरी तरफ दूसरे जनप्रतिनिधि की अगुवाई में भीड़ विवादित नारे लगाती है, जिसके बाद माहौल गरमाना तो तय था, बात तुरंत मुस्लिम वोट बैंक तक पहुंच गई। राजा सिंह को न सिर्फ गिरफ्तार करना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ में PED एक्ट डालकर 2 साल उसकी जबान की पाबंदी करते हुए उसको जेल में रखेंगे तो तेलंगाना की गंगा और जमनी तहजीब बरकरार रहेंगी। वरना देखिए आप, कल रात भर जो है पूरे मुसलमान रोड पर थे, एहतजाज किए, कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने एहतजाज किए, रैन बाजार पुलिस स्टेशन के सामने, डबीरपुरा पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किए। एक तकरीबन 200 मुस्लिम युवा को गिरफ्तार किया गया, जो अभी भी अंदर है पुलिस कस्टडी में। तो पुलिस खुद चाह रही है कि हैदराबाद का माहौल बिगड़ना, TRS गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि हैदराबाद का माहौल बिगड़ना। KCR KTR कान खोल कर सुन लो, एक मुसलमान का वोट तुमको मिलने वाला नहीं है अगर तुम राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन नहीं लेंगे। ये जो कल्प्रिट है, जो कल आखा की शान में गुस्ताखी किया है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। न सिर्फ ये कि लोगों की आंखों में धूल झोंके वैसा कि अब ले जाएंगे बहुत बड़े मुअज्जज़ मेहमान के वसा, या नहीं तो किसी के ससुराल में कोई दामाद है तो जिसका इस्तकबाल होता है, उसकी ज़ियाफ़त होती है, उस तरीके से जो है उसकी ज़ियाफ़त कर 2-4-8 घंटे में छोड़ेंगे,
तो ये इंतहा ज्यादा मायूब बात है, बल्कि इससे और ज्यादा दिलाजारी होंगी, क्योंकि जो मुसलमान हुकूमत पर जो भरोसा कर कर बैठे हुआ है कि इंसाफ का, उसकी दिल छिकनी हो जाएंगी। अच्छी चीज नहीं है, हुकूमतों के लिए भी अच्छी चीज नहीं है और हालात के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। दरअसल बात शुरू हुई थी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में होने वाले शो को लेकर। बीजेपी विधायक टी राजा इस बात से नाराज थे कि फारूकी ने पिछले शो में हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी की थी। फारूकी का शो 20 अगस्त को हैदराबाद के माधापुर में पुलिस की निगरानी में हुआ। शिल्प कला वेदिका माधापुर में शाम 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम कॉमेडी शो होगा। ये ऐसा थर्ड क्लास कॉमेडियन है भगवान रामचंद्र जी और सीता माता के ऊपर कॉमेडी करता है। कईयों राज्यों में राम भक्तों ने इसका प्रोग्राम कैंसिल करवाया और मार के भगाया। आप देखेंगे तेलंगाना का राम भक्त इसका प्रोग्राम कैंसिल करवाता है, इसको मारता है। पुलिस ने विरोध कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया था। यही बात टी राजा को चुभ गई और उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। आंध्र हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इसको उस वक्त तक जमानत ना दी जाए, उस वक्त तक रिहा ना किया जाए जब तक इस पर मुकदमा चल रहा है और उसको सजा उसकी मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक इसको रिहाई ना मिली। सेंट्रल लेवल पर एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिसके तहत अगर कोई भी शख्स किसी भी मजहब या किसी भी मजहबी पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई बात कहता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। टी राजा के बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने एक्शन लिया और टी राजा को सस्पेंड कर दिया। टी राजा से जवाब भी मांगा गया। वहीं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर जंग छिड़ गई। भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है, यहाँ पर भाजपा कम्युनल राइड कराना चाहती है और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करना, उनमें से राजनीति करना, खिलाफ बोलकर उनका पार्टी चलाना, यही काम है उनका। मामला एक बयान का था जिस पर पुलिस को एक्शन लेना था, लेकिन इसकी गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई दी, जहां राज ठाकरे ने ओवैसी भाइयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। त्यातला एक जण आमच्या देवतांबद्दल, देवी देवतांबद्दल बोलतो, कैसा कैसा मनहूस नाम रखते हे, आमच्या देवी देवतांचे नाव काय मनहूस, त्याला कोणी माफी मागायला नाही सांगणार या देशात। सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के विधायक टी राजा ने विवादित बयान क्यों दिया, आखिर क्यों उन्होंने नुपुर शर्मा केस से भी सबक नहीं लिया। टी राजा के बहाने फिर से नुपुर केस में बीजेपी से सवाल पूछे जाने लगे। भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है, ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स के इजाज़त के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं, जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं इस पर अब आप क्या कहेंगे। ओवैसी ने सवाल पूछा कि आखिर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा जेल में क्यों नहीं। वहीं इस मुद्दे पर राज ठाकरे नुपुर शर्मा के बचाव में कूद पड़े। झाकीर नाइक हा तो मुसलमान है, झाकीर नाइक चा एका इंटरव्यू मध्ये त्यांनी तेच सांगितलं जे नुपुर शर्मा बोलत होते। झाकीर नाइक च्या बाबतीत काय नाही झालं, त्याच्याबद्दल कोण काय बोललं नाही। नुपुर शर्मा का समर्थन करने के बाद हिंसक नारे लगे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उदयपुर में कन्हैया लाल का मर्डर हुआ और अमरावती में उमेश कोल्हे का। दोनों जगह मजहबी जुनून में डूबे लोगों ने हत्याओं को अंजाम दिया। एक बार फिर से वैसे ही नारे हैदराबाद में लगाए गए। लोकतंत्र में आखिर इस तरह के हिंसक नारों की जगह क्यों हो, इसी बारे में ओवैसी से भी सवाल पूछे गए। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं, और जो नारे लगा रहे हैं मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून कानून के हाथ में कैसा लेंगे आप अपने हाथ में?
हमने कंप्लेन की रात में, कल सुबह में 2:30 बजे हमारे एमएलए अहमद बलाला जाकर कंप्लेन किए, और जब बलाला साहब कंप्लेन किए तो उनके साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे, कंप्लेन किए, एफआईआर रजिस्टर हुआ। इस तरह की बकवास नारे अरे मत करिए, इस तरह क्यों लगा रहे हैं आप। वैसे टी राजा की कुंडली भी देख लीजिए। 2018 विधानसभा चुनाव में उनकी ओर से दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक उन पर कुल 43 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें धार्मिक उन्माद फैलाने के 17 मामले हैं, 9 मामले धार्मिक भावना आहत करने के भी हैं, आगजनी, दंगा समेत कई तरह के गंभीर आरोप हैं। कुल 16 चार्जशीट फाइल भी हो चुकी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले भी बैन लगा चुकी है। हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह के घर के बाहर हैं, और यहाँ पर राजा सिंह अपने घर के अंदर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर समर्थकों का जमावड़ा है, समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पुलिस ने काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस के लोग हैं, उसके अलावा पुलिस के पूरे इस जो एरिया है, पुलिस की भारी व्यवस्था है, बहुत ही बड़ी तादाद है पुलिस कर्मियों को यहां तैनात किया गया है। नारेबाजी लगातार होती जा रही है, और यहां पर अच्छी खासी तादाद में न सिर्फ सुरक्षा कर्मी बल्कि राजा सिंह के समर्थक भी बड़ी तादाद में इकट्ठा हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। सवाल है, जब जनप्रतिनिधि ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे काम करेंगे तो फिर सांप्रदायिकता का जहर कैसे नहीं फैलेगा। मशहूर शायर राहत इंदौरी की पंक्तियां हैं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। आज यही पंक्तियां देश के अंदर कहीं तनाव हो तो उस पर सटीक बैठ जाती हैं। जो तेलंगाना के हैदराबाद में हो रहा है, ठीक वैसी ही तस्वीरें कर्नाटक में नजर आ रही हैं। दोनों जगहों पर तनाव है और दोनों ही राज्यों में अगले साल चुनाव है। ये पोस्टर उस विवाद को बता रहा है जो कर्नाटक में बढ़ता जा रहा है। विजयपुरा जिले में कांग्रेस के दफ्तर पर सावरकर की तस्वीरें चिपका दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीराम सेना ने धमकी देते हुए कहा कि जो सावरकर के पोस्टरों को हाथ लगाएगा उनके हाथ काट दिए जाएंगे। ಹಾಕಿದಂತಹ ಭಾವಚಿತ್ರ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಚಲ್ ರಹೆ ಇಸ್ ವಿವಾದ್ ಕೋ ದೋನೋ ಪಕ್ಷ ಹವಾ ದೇನೆ ಮೇ ಲಗೆ ಹೈ। ಎಐಎಂಐಎಂ ಚೀಫ್ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಜೋ ಹಮೇಶಾ ದೂಸರೋ ಪರ್ ಸವಾಲ್ ಉಠಾತೆ ಹೈ, ದೇಖಿಯೇ ವೋ ಖುದ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕಿಸ್ ತರಹ ಕಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ। ತೋ ಜೋ ಲೋಗ್ ಆಜ್ ಟೀಪೋ ಔರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕಿ ಬಹಸ್ ಕರ್ ರಹೆ, कहां जमीन और कहां आसमान, कोई मुकाबला नहीं हो सकता टीपू से। दिलचस्प ये है कि हिंदू सेना के प्रमोद मुथालिक कह रहे हैं सावरकर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं थे, वहीं ओवैसी कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे। लेकिन मौजूदा चुनावी हलचल में सावरकर और टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम राजनीति की धुरी बन गए। सवाल ये, इन बयानों की जरूरत क्या थी। विवादित बयान की वजह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बचाना होता है। उनको ये लगता है कि इन विवादित बयानों से उनका, उनकी ओरा, उनकी छवि बढ़ेगी और वो और आगे तक जा सकेंगे। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दें, चाहे कांग्रेस के लोग बयान दें, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग दें, चाहे वो बीजेपी की दें। जो बात राजनीति के जानकार मान रहे हैं वही बात आम लोग भी कह रहे हैं। सांप्रदायिकता की आग में घी डालने वालों पर मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं ये आप भी सुनिए। वो नेता लोग तो वही तो काम कर रहे हैं, दूसरा क्या काम करते हैं, आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं वो लोग। क्या चल रहा है अभी इंडिया में, वही तो चल रहा है, बाकी कुछ काम हो ही नहीं रहा है, बस वो आग लगाने का काम कर देते और बाजू हो जाते हैं। ये सब कुछ हमको अच्छा नहीं लगता है, जो शांति के लिए जो बोलना चाहिए वो बात करना चाहिए सब लोग, इतना हमारा कहना। देश भर में लोग शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। सुनिए एमपी के लोगों की राय। धर्म के ऊपर ले लो, जाति के ऊपर ले लो, हर किसी पे जो भी पॉइंट होता है उस पे ये घी डालने वाला काम करते हैं, जिससे कि लोगों को उकसाए। आम आदमी की तो ये सोच नहीं है ना, और आम आदमी कभी चाहता है कि ऐसा कोई संप्रदायिकता हो या कभी कहीं झगड़े वगड़े हों। विवादित बयानों के पीछे पूरे देश के लोग राजनीति और नेताओं को जिम्मेदार मान रहे हैं। क्षेत्र बन गया है सांप्रदायिकता,
पहले भी था लेकिन वो कम था, अब थोड़ा सा ज्यादा है। और लोगों को ये लगता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके आप ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों तरफ से हो रहा था। और पहले वो एक कभी एक बार होता था, दूसरा इग्नोर कर देता था, कभी एक पार्टी करती थी तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन अब वो इग्नोर नहीं करने का सिलसिला है। और उसके पीछे भी अपने कारण हैं, क्यों? क्योंकि वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत की जानी होती है कि हम नहीं, हम और लड़ाकू हैं, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उस लिए किया जाता है। हाथ काट देंगे, सिर तन से जुदा कर देंगे, ये सारे नारे लोकतंत्र के विरोधी हैं। लोकतंत्र में बहस की जगह है, हिंसा की नहीं। लेकिन लगातार आते बयान लोकतंत्र को ही कमजोर कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।